हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर के बारे में। तो ये आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर एक, हो होबा या जोजोबा क्या होता है? एक औषधि है, एक तिलहन है, एक प्रक्षेप पात्र है या एक तीर्थ स्थल है। अब आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। हो होबा जोजोबा क्या है? तो ये एक प्रकार का तिलहन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो। आगे देखिए, किस फसल को राजस्थान में चमत्कारिक फसल कहा जाता है? सोयाबीन, सूरजमुखी, रतन जोत और तंबाकू। कौन सी फसल को हम चमत्कारिक फसल कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा इसमें सोयाबीन। सोयाबीन को चमत्कारिक फसल कहा जाता है। आगे देखिए, कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए तो आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो, 180 किलो, 165 किलो और 190 किलो। इसमें सही आंसर होगा 180 किलो, और जूट की एक गांठ का वजन होता है 170 किलो। उसके बाद अगला देखिए, जैव डीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है रतन जोत, करांजा, जेस्ट्रोफा और सभी। तो देखिए, जैव डीजल जो होता है उसके उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त होता है? उसके उत्पादन के लिए रतन जोत भी प्रयुक्त होता है, करांजा भी होता है और जेस्ट्रोफा भी होता है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए आप, गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गन्ना को, कपास को, जूट को और रेशम को। किसे कहते हैं हम गोल्डन फाइबर? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा जूट। आगे देखिए, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके नाम भी बताए थे, तो आपने अगर वीडियो देखी है तो आप आंसर दे पाएंगे। 4, 5, 6 और 3। कितने विश्वविद्यालय? 5 विश्वविद्यालय। 5ों के नाम मैंने पिछली वीडियो में बताए, आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला है, राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई? देखिए, 1947, 1949, 1955 और 1957। राजस्थान उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई? सोचिए आप क्या होगा इसका सही आंसर। राजस्थान उद्योग विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय की स्थापना कब हुई? 1960, 1965, 1971 और 1975। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है 1960। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किससे नहीं जोड़ते? राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं हम नेशनल इनकम की, उसमें किसे नहीं जोड़ते? वस्तु और सेवा का मूल्य, गृहिणी की सेवाओं को, बेचे गए पुराने फ्रिज का मूल्य और बी और सी दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों को। तो इसमें किसे नहीं जोड़ते? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसमें गृहिणी की सेवाओं को भी नहीं जोड़ते और बेचे हुए पुरानी वस्तुओं के मूल्य को भी नहीं जोड़ते, केवल उसमें वस्तु और सेवा का मूल्य जोड़ा जाता है। इसी से हम नेशनल इनकम निकाला जाता है। नेशनल इनकम की आपको वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आप नेशनल इनकम को पूरा देख सकते हैं। अगला देखिए, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी और कोई नहीं। अब क्या होगा इसका आंसर? तो हम जानते हैं कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे कि काम करने की जगह तो 10 लोगों की होती है लेकिन वहाँ 15 लोग कार्य कर रहे हैं, तो 5 लोग जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रच्छन्न बेरोजगार। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।